दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमोकार सिनेमा चैनल पर। आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से दहला देगी। जबकि ये फिल्म थिएटर पर भी रिलीज़ नहीं हुई है, मैं केरल स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केरल स्टोरी जैसे ही एक रियल इंसिडेंट पर बनी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका नाम है बंदा। एक बंदा ही काफ़ी है सिर्फ। और एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, और उसमें से बहुत सारे हमारे हिंदू भाई होंगे जो आशाराम बापू को एक समय पर बहुत मानते थे, अभी भी मानते हैं, तो उन लोगों को शायद ये फिल्म अच्छी ना लगे। लेकिन अच्छा लगना ना लगना एक अलग विषय है, और एक सच्चाई को देखना और उसे समझना एक अलग बात है। और मुझे लगता है कि ये हम सभी लोगों की ड्यूटी बनती है, ये हम सभी लोगों को कर्तव्य बनता है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, दूसरे धर्मों पर तो उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गिरबान में झांकना और अपने ही धर्म में कुछ गलत होता हुआ देखकर उस पर चुप्पी साधना भी उतना ही गलत है। मुझे लगता है कि जैसे हम दूसरे धर्म का पुरजोर विरोध करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस्लाम धर्म पे या जो भी मुस्लिम कट्टरपंथी के लोग होते हैं उनके खिलाफ बनाई है, बट आज एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हुए, एक जैन धर्म से बिलोंग करते हुए भी, उसके बाद भी आज मैं कहना चाहूँगा कि आशाराम बापू जिस तरह के उनका कैरेक्टर दिखाया गया, और देखिए बिना आके कभी धुआं नहीं उठता, ये बात आप यकीन जानिए। जब आप इस पहले मैं कहूँगा इस फिल्म को आप देखिए, आप किसी भी उस बात में मत जाइए, उन्होंने कहीं भी उनका रेफरेंस यूज़ नहीं किया है, और इवन उन्होंने बापू नाम भी यूज़ नहीं किया जिससे लोग आशाराम बापू से कनेक्ट ना करें उस चीज़ को। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो उन्हीं पर बनी हुई फिल्म है, और दिखाया गया है कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की को बाबा ने अपने आश्रम में बुलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया। और निर्भया केस के बाद की ये घटना है, तो निर्भया रेप हत्या के बाद, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे कानून में इन सभी चीज़ों को लेकर कितना बड़ा बदलाव किया गया, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। और हमें इस बात को अच्छे से समझ जाना चाहिए कि जितना खतरा हमें अपने धर्म से बाहर के लोगों से है, उतना ही अपने धर्म में छिपे हुए उन भेड़ियों से है जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के नाम पर हमारे साधुओं का चोला ओढ़कर ये दुष्कर्म कर रहे हैं समाज में। बाबा राम रहीम की कहानी भी हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से हनीप्रीत को अपनी बेटी मानता था और उसके साथ ही वो सुहागरात मनाता था, ये सब बात किसी से छुपी नहीं है। बाबा राम रहीम की गुफा कितनी प्रसिद्ध है, लेकिन बाबा आशाराम के जो कांड है और उनके सुपुत्र के भी जितने भी कांड हैं वो सब आप सभी गूगल करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और ये कहानी तो 2013 में मतलब एक तरह से ताबूत में कील ठोकने वाली बात साबित हुई, लेकिन उससे पहले भी बाबा कब से जो कहीं ना कहीं उनके भक्त थे उनकी लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म करते आ रहा था, वो घटना तब से नहीं थी, वो 10-15 सालों से लगातार बाबा ये घटनाएं करता आ रहा था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं विस्तार से फिल्म में बताया गया है, और मनोज वाजपेयी का काम लाजवाब है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मनोज वाजपेयी ने हमेशा अपने अभिनय से वो चौंकाते हैं, आप भीकू महात्रे से लेकर अभी तक जितने भी उन्होंने कैरेक्टर प्ले किए हैं वो लाजवाब है, पर इसमें भी आप उन्हें एक नए रूप में देखेंगे। और लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा, उन्होंने एक रामायण का रेफरेंस देते हुए कहा कि रावण जो शिव भक्त था, रावण आज भी कहीं ना कहीं नरक की यातनाएं इसलिए भुगत रहा है कि उसने माँ सीता का अपहरण किया था, इस वजह से नहीं, उसने माँ सीता का अपहरण साधु के भेष में किया था, जिससे हमारी पूरी साधु कम्युनिटी बदनाम होती है, जो साधु वर्ग के लोग हैं वो बदनाम होते हैं, इस वजह से उसे ज़्यादा दंड दिया गया। और यही बात आशाराम बापू पर भी लागू होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुष्कर्म करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों पर हमारी भावनाएं जुड़ी नहीं होती, उन लोगों से हमारी भक्ति जुड़ी नहीं होती, लेकिन जो साधु के भेष में ऐसा घिनौना कृत्य करता है उसे कतई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए सजा से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या आपको लगता है कि हमें निष्पक्ष होकर किसी भी फिल्म को देखना चाहिए, अगर हमारे समाज में भी कोई गलत बात है तो उस पर भी उतनी ही आवाज़ उठानी चाहिए जितना हम दूसरे धर्म या दूसरे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मैं तो इस फिल्म को 5 में से 4.5 रेटिंग देना चाहूँगा। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा कीजिए।